सद्गुरु के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे सद्गुरु ने अपने पिछले जन्म के अधूरे काम को पूरा करने के लिए अपने जीवन का सब कुछ त्याग कर दिया। अगर आप उस अधूरे काम को जानना चाहते हैं तो हमें आज से 400 साल पीछे जाना होगा। सद्गुरु के ही द्वारा लिखी गई किताब मिस्टिक म्यूजिंग के हिसाब से सद्गुरु सबसे पहले मध्य प्रदेश में रहने वाले बिल्वा नाम के एक व्यक्ति थे, जो कि एक बहुत बड़ा शिव भक्त था और उसकी सोच दुनिया से परे थी। बिल्वा को बचपन से ही सांपों के साथ रहना काफी पसंद था। याद कीजिए, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि सद्गुरु को भी सांप बहुत प्रिय थे। अब आप समझ ही चुके होंगे क्यों। अब होता यह है कि बिल्वा को अपने गांव की एक ब्राह्मण की लड़की संभावी से प्यार हो जाता है, लेकिन उस समय कास्ट सिस्टम इतना ज्यादा था कि बिल्वा और संभावी की शादी ना हो सकी। उल्टा गांव वालों ने बिल्वा को एक पेड़ से बांध दिया और बहुत सारे सांप उस पेड़ के चारों तरफ डाल दिए। उनमें से एक सांप ने बिल्वा को काट लिया। बिल्वा के पूरे शरीर में जहर फैल गया, उसकी सांसें दम तोड़ने लगी। लेकिन तभी बिल्वा अपनी आंखें बंद करता है और ध्यान लगाता है और कॉन्शियसली उसकी डेथ हो जाती है। अगले जन्म में बिल्वा एक शिव योगी बनता है और भगवान शिव की कड़ी तपस्या करता है। शिव योगी तपस्या में इतना लीन हो जाता है कि उसके पास अपनी आंखें खोलने तक की शक्ति नहीं बचती। उसी समय सद्गुरु के भी गुरु पलानी स्वामी भगवान शिव का भेष रखकर उसके पास आते हैं और उसको एक काम सौंपते हैं, और ये वही काम होता है जिसको आगे चलकर सद्गुरु पूरा करने के लिए अपने जीवन का सब कुछ त्याग कर देते हैं। शिव योगी ने उस काम को पूरा करने की कोशिश तो बहुत की, मगर 52 साल की आयु में उसकी मृत्यु हो जाती है। तीसरे जन्म में शिव योगी फिर जन्म लेता है और इस बार वो बनते हैं सद्गुरु श्री ब्रह्मा, जो कि एक बहुत बड़े शिव भक्त थे। कहते हैं इनको धरती के 5 तत्वों पर मास्टरी हासिल थी। इनका बस जीवन में एक ही उद्देश्य था, किसी तरह उस अधूरे काम को पूरा करना। मगर शायद उस काम को पूरा करना भगवान शिव ने सद्गुरु के हाथों ही लिखा था। सद्गुरु श्री ब्रह्मा ने मरने से पहले ही यह तय कर लिया था कि अगले जन्म में किसके यहाँ पैदा होंगे, उनके पास कितना धन होगा और कब उन्हें एनलाइटनमेंट हासिल होगी। सद्गुरु श्री ब्रह्मा किसी भगवान से कम नहीं थे, उन्होंने अपनी मौत पर भी विजय हासिल कर ली थी। 3 जन्मों के बाद जन्म हुआ जग्गी वासुदेव यानी सद्गुरु का, और अब सद्गुरु को ही खत्म करना है भगवान शिव के द्वारा दिया गया वो अधूरे काम को। आखिर क्या है वो काम जिसको पूरा करने के लिए सद्गुरु को तीसरा जन्म लेना पड़ा, जानने के लिए देखिए सद्गुरु पार्ट 3।